फिर देखो भाई कितना कीचड़ हो रखा है, गड्ढे तो इस कदर है भाई इसकी रोडों में, आप सोच सकते हैं भाई गड्ढे थोड़ा ऊपर और देवी मंदिर के थोड़ा नीचे। और यहाँ पे भाई दो सांड रास्ते में मिला है, मगर देख सकते हैं आप हमारे पुल में विजय भाई खड़े हैं और इनकी दाढ़ी अचानक से लाल हो चुकी है, इनका ध्यान अभी कैसे देख सकते हैं आप। दोस्तों कैसे आप सब लोग, आई होप अच्छे होंगे। तो गाइज आज हम आ गए हैं सिटकुल में और आज का ब्लॉग सिटकुल से स्टार्ट हो रहा है। और अभी हम यहाँ सिटकुल में से लाए थे क्योंकि भाई मेरे दोस्त था, उसे यहाँ से हिमालयन से कॉल आई थी, तो वहाँ मेरा दोस्त गया था उसका इंटरव्यू वगैरह वहाँ, तो वहाँ के जो सर थे इंटरव्यू लेके, मेरे दोस्त तो बोला इसका इंटरव्यू अच्छा गया, मगर वहाँ के सर ने बोला कि आपको कुछ दिन बाद कन्फर्म करके बता देंगे कि भाई आपका इंटरव्यू क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो अभी हम आ चुके हैं वहाँ से और चलते आगे और मिलते थोड़ी देर बाद। भाई यहाँ देखिए ये पता कर रहे हैं यहाँ पे दूसरी कंपनी में पता करने गए हैं भाई, हमारे विजय भाई पता करने गए दूसरी कंपनी में। चलिए दोस्तों आज मैं आपको घुमाता हूँ सिटकुल की एक शहर शहर और हमारे यहाँ पे देखिए देखते ही फेमस कंपनी KMC ये टूरिस्ट बस क्या चल रहा भाई, ये कंपनी में टूरिस्ट बस कैसे आ गया भाई KMC। ये देखिए यहाँ पे KMC का पता कर दिया भाई, ये देखिए सिंपैक्स नंबर वन सिटकुल की कंपनी, रशियन कंपनी है गाइस MNC, देखिए रशियन 6,000 रुपये रशियन कंपनी, ये रशियन नाम आए और वहाँ 6,000 की बात ना हो ही नहीं सकता, इमोशनल बह गया था मेरा भाई। तो ये देखिए पीपल का पेड़ आ गया, ये सारे देखते हैं इनका रिएक्शन क्या होता है गाइस। चलिए चलिए देखिए कुछ नहीं बोलेंगे हम, चलिए आगे सीधा। लोग कैमरा में से देख रहे हैं गुरु गुरु जैसा आजी। हाँ भाई क्या हाल चाल, कैसे श्रीनिधि है, कौन सी कंपनी है ये श्रीनिधि आ गए श्रीनिधि। मेरे दोस्त पल की जानकारी दे रहे हैं भाई श्रीनिधि, प्लास्टिक का जो कुछ भी लेना है ना प्लास्टिक का A to Z हर चीज हर साइज की बोतलें मिल जाएंगी। हाँ मतलब यहाँ पर अच्छा है, ढिल्लू बंदर देखिए इग्नोर, इन्हें भी पता है कि फालतू लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। अभी हम आ चुके हैं सिकड्डी रोड में, जहाँ वो जो रोड सिकड्डी को जाती है और झंडी चोड़ में जहाँ पे रोला जहाँ पे गाड़ी गिरी थी, और इसके आगे आप देख सकते हैं भाई कितना पानी है भाई, ऐसा लगता है भाई कि बाढ़ आ गई स्वयं, बरसात तो चले गई मगर भाई ये पानी पता नहीं कहाँ से आ रहा है भगवान जाने। और देखो अभी छीट देखो आप, देखो छीट देखो गाड़ी चलते छीट के साथ है, ये देखो भाई दिक्कत है कितनी चल रही है भाई आप सोच सकते हैं। और बरसात तो मौसम चले गया मगर भाई पानी अभी तक नहीं जा रहा है, क्या ही होगा। और ये पानी आगे भी है झंडी चौड़ा, मैं आपको दिखाता हूँ आगे चलते हैं और दिखाते हैं। में आ चुके हैं और भाई बरसात तो चली गई मगर भाई कीचड़ झंडी चौड़ में इस कदर है कि भाई आप सोच सकते हैं। और अभी मैं आपको यहाँ की रोड की हालत दिखाता हूँ भाई, कितना कीचड़ है मतलब पानी जमा हुआ है और देख सकते हैं अभी से मच्छर भी पनप सकते हैं। तो भाई देखो भाई कितना कीचड़ हो रखा है, गड्ढे तो इस कदर है भाई इनकी रोडों में, आप सोच सकते हैं भाई गड्ढे का पता नहीं कब सही होंगे इस रोड हो गए, मतलब आगे की रोड तो सही कर, जो मेन मार्ग है हरिद्वार मार्ग वहाँ तो रोड की हालत ऐसी हो रही है, इस कदर हो रखी है बुरी आप सोच सकते हैं। और ये देखिए भाई कीचड़ देखो भाई लोग कैसे जा रहे हैं आप देख सकते हैं, देखिए भाई देखो
रॉन्ग वे में डाल रहे हैं, जब उनको मजबूरी है भाई रॉन्ग वे में गाड़ी डालना। और देखो भाई कीचड़, देखो आप देख सकते हैं कितना कीचड़ है भाई, कितना कीचड़ और रोडों में इतने खतरनाक गड्ढे हो रखे, जैसे आप सोच सकते हैं रोडों की इस कदर बुरी हालत हो रखी है यहाँ। देखो भाई दलदल मना है, रोड नहीं दलदल हो रखा है। और भाई यहाँ अगर आवाजाही की और आने जाने है लोगों को बहुत दिक्कत भी हो रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं भाई। देखो अगले भाई गड्ढे से ना लेकर किस कहाँ से कट मारेंगे, देखो भाई आप देख सकते हैं रोडों की हालत क्या हो रखी है और पानी कहाँ से आ रहा है, जबकि भाई बरसात जाए हुए पूरे 2 महीने हो गए हैं मगर पानी का कोई निकासी नहीं कुछ नहीं। चुके हैं हल्दू खाता के जो पुल के आगे रास्ता है, मतलब जहाँ पे चौकी भी है उसके बगल में पहुँच चुके हैं। और गाइस यहाँ पे हमें एक चीज़ दिखी थी, वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे जो रोड थी वो बन रही है। रोड तो बन तो बनी मगर धूल ऐसी उड़ रही है भाई, आप देख सकते हो भाई साहब, मतलब धूल नहीं है तो भाई ऐसा लग रहा है रेगिस्तान में। देखो भाई तो भाई जैसे कि आप देखते हैं अभी तो भाई रोड मतलब पत्थर ही बिछ रहे हैं, लगता है कल परसों तक हो जाएगा। कल परसों तक तो बन जाएगा रोड, बन जाएगी भाई बड़ी मुश्किल से तो रोड बनती है, वो भी कोर्ट द्वारा की झंडी चौड़ की भी रोड बनती हुई दिखाई देखते आपको मेरे कैमरे के द्वारा। और अभी तो भाई यही बिछ रहा है, पता नहीं कल तक मतलब एक हफ्ता लग जाएगा भाई सरकारी। और भाई देखो भाई तो आज मुझे लग रहा है चार कोल वैसे के वैसे रखा है और चलते हैं आगे और दिखाते हैं कुछ और मेरे कैमरे का। तो गाइस कल ये हमें खबर मिली थी कि पुल भाई पुल काम शुरू हो चुका है, मोटर टांग के पुल जो टूटा हुआ था, मालन पुल था जो टूट चुका था, मालन नदी में बना मोटर टांग का पुल जो टूट गया था, तो हमें कहीं से खबर मिली है कि उसमें मतलब काम शुरू हो चुका है, काम शुरू चलता है। तो भी देखने जा रहे गाइस कि उसके माध्यम से हम आपको वीडियो दिखाए और बताए कि काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है और कितना चल चुका है। तो चलिए दोस्तों हम आपको दिखाते हैं हम पहुंचने वाले मोटर टांग। तो चलिए गाइस यहां पे मुझे एक डांसिंग कार दिख रही है खड़ी खड़ी अकेले, इंजन में सेवे की कार खड़ी हो रही है। ये देखिए ये गाड़ी कौन सी, ये है आपकी गाइस मारुति सुजुकी और इसके अंदर बैठी होगी एक सुंदर सी मारुति लड़की। अफसोस कोई नहीं है गाइस, रोड जब से यहाँ आना बंद का है तो रोड कैसे बन चुकी है कि बंजर हो गए गाइस। देखो ऐसे तो रोड पहाड़ों की गाड़ी रोड भी नहीं रहती भाई। देखो रोड की कंडीशन देखिए एक टाइम के लिए, मतलब यहाँ पे आदमी पुल में पहले बाद में रुकेगा, इससे पहले इसकी गाड़ी गिरने से ये बजरिया इसको पहले रोक दी गई गाइस, नुकसान होगा। तब कोटदार पुलिस को होना चाहिए था भाई। ये देखिए और ये बगल में कैमरा राइट साइड मुड़ाइए थोड़ा थोड़ा, हमारे से पार्टी संदीप भाई कैमरा मुड़ाइए, देखिए ताला लगा है। तो गाइस ये देखिए एक आदमी मिला में मानो ये देखिए स्मेल देखिए इसकी बहुत ही अच्छी तरीके से टेडीनेस दे रही थी। तो गाइस देखिए अब लग रहा है पुल का काम शुरू हो चुका है, पुल देखिए देखिए दारू रखिए देखिए दारू दारू पुल के आगे दारू चकना। तो अफसोस दुखद खबर पुल का काम शुरू नहीं हुआ भाई अभी नहीं। और गाइस जैसे कि आपने देखा पुल की हालत भाई, पुल अभी तक नहीं बना और आप सोच रहे होंगे कि भाई मोटो ब्लॉग क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि देखो भाई ऐसे ही है क्योंकि तुम जो हमारे मेरी शक्ल तो देखना चाह नहीं रहे हो, नीचे कमेंट बढ़ रहे अपनी शक्ल मत देखा, तेरी शक्ल इतनी अच्छी भी नहीं है। तो गाइस मैंने अपनी शक्ल से इस बात को आपकी बात से हार मानते हुए अगर आपको पसंद आती है तो गाइस ज़्यादा लाइक करिए, अगर आपको पसंद नहीं है तो चार लोगों को शेयर कर दीजिए, इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा और हमारा भी कुछ नहीं जाएगा क्योंकि लाइक और शेयर फ्री में होता है गाइस, नो पैसा नो मेंबरशिप।
पर दिन बस से बदतर होती जा रही है गाइस। टल्ले टल्ले देखे गाइस, रोड तो बनाई नहीं मगर टल्ले लगा दिए। अच्छा सिला दिया दोनों मेरे प्यार का, यहाँ ने क्या तोड़ दिया घर प्यार का हुआ गाइस। मगर मुझे पता है, मानता हूँ भाई इस बात का कोई लॉजिक नहीं था, मगर आप एडजस्ट कर लेना था, सह लेना थोड़ा सा गाइस। अभी हम आ चुके हैं नींबू चौड़ वाला जो पुल था, ये जो पीछे थोड़ा पुल है वहाँ वाले पुल में आ चुके हैं। और गाइस जो यहाँ के मतलब नीचे रास्ता था ना वाली मेरे हिसाब से, तो रास्ता भी बहुत पहले टूट चुका था, नज़र मेरी आज ही पड़ी है। तो भाई यहाँ से लोगों को दिक्कत आ रही है, लोग मतलब कि जो किसी के खेत है ना, मतलब किसी का अपना रास्ता है तो वहाँ से घूम के जा रहे हैं, तो लोग मतलब बहुत संघर्ष कर रहे हैं वहाँ जाने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं भाई ये पूरा नीचे आ रखा है। गाइस यहाँ की स्थिति थोड़ी गंभीर दिखाई दे रही है, जैसे कि पुल भी ना और ये रास्ता जैसे कि सत्य चौड़ वाला रास्ता भाई, यहाँ भी कुछ हरकतें दिखाई दे रही है। तो भाई रास्ता अभी तक कितना मतलब भयानक स्थिति हो रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं भाई लोग कैसे एडजस्ट कर रहे हैं अपना आपको, ये देखना होगा कहीं ना कहीं। और भाई गाइस जैसे कि अभी मैं पुल में था तो रास्ता तो मैंने आपको दिखाई दिया जैसे कि क्या स्थिति है रास्ते की, और मुझे कुछ सांड दिखे हैं, आवारा पशु जैसे कि कैसे कह रहे पुल में बैठे हैं किनारे, मतलब हालांकि ये कुछ किसी का कुछ कर नहीं रहे हैं, मगर फिर भी जैसे कि ये गाय खड़ी है तो ऐसे में मतलब किसी लोगों को मतलब खतरा हो सकता है। और ये पशु इनको कुछ पता नहीं है, मगर दुधारू पशु को उठा के ले जा रहा है, मगर भाई इन सांडे का कोई जुगाड़ नहीं है और बछड़ो वगैरह किसी को जुगाड़ नहीं है। और ऊपर आप अगर आप कूड़ा जाएंगे कभी तो आपको रास्ते में भाई सांड दिखेंगे भाई कि आप सोच नहीं सकते हैं। और गाय देख ली तो भाई उसे उठा के ले जाते हैं, और जाना चाहिए इनको तो भाई छोड़ रखे से बेचारे, मतलब आप सोच सकते हैं बेचारी गाय यहाँ पे खड़ी हो रही है बछड़ा शायद। भाई हमारे पुल में विजय भाई खड़े हैं और इनकी दाढ़ी अचानक से लाल हो चुकी है, इनका ध्यान अभी कैसे देख सकते हैं आप, इनके बाल काले हैं और दाढ़ी दिखाइए इनकी दाढ़ी लाल हो चुकी है, और ये थोड़ा अचंभों में है कि भाई मैंने ऐसे कुछ करा ही नहीं तो दाढ़ी कैसे लाल हो गई है। गाइस अभी हम देवी मंदिर के थोड़ा नीचे हैं, और जैसे कि आप देख सकते हैं भाई यहाँ पे भी आपको मतलब कोर्ट के थोड़ा ऊपर और देवी मंदिर के थोड़ा नीचे, और यहाँ पे भाई दो सांड रास्ते में मिले हैं, मगर देख सकते हैं आप इनका क्यों गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है भाई, इनका भी कुछ उपचार करना चाहिए भाई, लावारिस कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन। तो अभी हमारे विजय भाई बहुत जोरों शोरों से गाड़ी चला रहे हैं भाई, और देखिए गाइस यहाँ पे केप राइट के ठीक बगैर तड़ियाल चौक में आपको यहाँ पे भी एक सांड देखने को मिल सकता है। इन पशु का क्यों कुछ नहीं कर रही है गवर्नमेंट भाई, क्यों भाई क्यों, इनके लिए कोई जगह नहीं है, देखो बेचारे कैसे घूम रहे हैं। यहाँ पे भी दो तीन सांड है भाई,